रुक करते हैं प्रदेश की ओर। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली के साथ लगता मार्ग जामली शिमला यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे लगघाट मलोन लुहारघाट जयनगर आदि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई नंदलाल चंदेल ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला और कहा कि लेबर को युद्ध स्तर पर काम पर लगाया हुआ है। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली के साथ लगता मार्ग जामली शिमला यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे लगघाट मलोन लुहारघाट जयनगर आदि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण इसका कारण अभी कुछ दिन पहले ही चला था, लेकिन इसके चलते ही और सड़क खराब होने के कारण अभी यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण इस मार्ग पर हर रोज 3 बसों की आवाजाही होती है। नालागढ़ से जयनगर और शिमला से जामली व शिमला से ज्योरीपनन जाती है, लेकिन पूरी तरह से यातायात ठप हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई नंदलाल चंदेल ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला है और काम पर लेबर को युद्ध स्तर पर काम पर लगाया हुआ है। लगा हुआ है, ठेकेदार को टेंडर हो गया है और ठेकेदार काम कर रहा है। आने जाने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके लिए हमने नीचे जामली में रोक दिए हैं, छोटी गाड़ियां तो निकल रही हैं और दंगे लगने के बाद बड़ी गाड़ी भी छोड़ देंगे, बड़ी गाड़ियों के लिए आना जाना हो जाएगा शुरू। ये कार्य कब तक पूरा होगा? बस अब देखो, अगर बारिश ना हो तो 10-15 दिन में तो क्लियर हो जाएगा, टाइम भी लग सकता है।